जय हिंद मेरे प्यार साथियों, आपका अपने YouTube चैनल अग्निवीर की अकेडमी पर स्वागत है। आप लोग मैथ पढ़ रहे हैं मेरे साथ मिलकर, और मैथ में हम लोग टाइम एंड वर्क ख़त्म कर चुके हैं, क्योंकि जितना बेस आपका था भाई, जितना पढ़ाना था, आपके एग्जाम में जितना आना था, सब कुछ बताया गया है। आप लोग मेहनत करें उस पर, जितना बताया गया प्रैक्टिस करें और अच्छे से लगाइए उसको, ठीक है। आज हम लोग एक नया चैप्टर लेके चलेंगे, नल और टंकी। भाई नल और टंकी जो है, जैसे हम लोग टाइम एंड वर्क पढ़े हैं, सेम उसी तरीके से है, इसलिए दोनों को साथ में पढ़ाया जाता है। जैसे वो ख़त्म होता है, उसके बाद हम लोग नल एवं टंकी लेके चलते हैं, पाइप एंड सिस्टर्न, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग घर पर स्वस्थ मस्त अच्छे ढंग से पढ़ाई में लगे होंगे। और अपना नोट्स देखिए भाई, बराबर बनाते चलो, क्योंकि एक दिन भी मिस करोगे तो आपका वो कोर्स क्या होगा, बढ़ता हुआ चला जाएगा। इसलिए अभी से ही आप छोड़िए ना। देखिए आज का चैप्टर जो है, नल एवं टंकी पर चलते हैं हम लोग। समझिए कुछ बात पहले इस पर, उसके बाद आगे सवालों पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखें, जैसे हम लोग नल और टंकी भाई टाइम एंड वर्क पढ़ते, सेम बेस वही है, कुछ अलग इसमें करना नहीं है। जैसे अगर हम कहें कोई नल ए है, क्या है, कोई नल ए मान लेते हैं। देखें कोई नल ए किसी टंकी को मान लेते हैं, 10 घंटे में भरता है। वहां पर क्या था टाइम एंड वर्क में, भाई ए 10 दिन में कार्य कर रहा था। यहाँ पे दिन भी दे सकता है या घंटे भी दे सकता है, एक ही मतलब है, करना एक ही बेस पे है। भाई बी का दे दिया, बी मान लीजिए कोई टंकी, उसे कितने घंटे में, मान लेते हैं 15, कितने घंटे में भाई, 15 घंटे में भर सकता है। अब कहेगा दोनों नलों को, मान लीजिए दोनों नलों को एक साथ खोल दे तो टंकी कितनी देर में भर जाएगी, आपसे पूछ सकता है। मतलब ए नल 10 घंटे में भर रहा, बी 15 घंटे में, और दोनों नलों को एक साथ खोल दें तो टोटल कितने घंटे लगेंगे, आपको ये बताना है प्रश्न में। तो समझेंगे, हम आपको एक फार्मूला बता चुके हैं इसके पहले, टाइम एंड वर्क में आपका समय बराबर क्या होता है। समय बराबर, देखिए समय बराबर होता है काम बटे क्षमता, मतलब जो टोटल आपका काम होगा, और यहां पर लिखेंगे क्षमता, मतलब आपका क्या है, समय बराबर क्या होता है, काम बटे क्षमता। तो काम क्या होता है भाई, ये सबसे पहले समझेंगे। हम आपको बताए थे एलसीएम मेथड, वहां पे समझाए थे, एक फार्मूला बेस भी बताए थे। अगर हम इनका एलसीएम निकाल लें, वही हमारा क्या मिल जाता है भाई, कुल वर्क मिल जाता है, टोटल काम मिल जाता है, ठीक है। अगर देखिए 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा, तो कहेंगे 30 आ जाएगा। अब एलसीएम हमने आपको सिखाया है, ऐसी संख्या लो भाई जिससे आपका क्या हो जाए, 10 का भी पहाड़ा उसमें चला जाए और 15 का भी पहाड़ा चला जाए, वही संख्या क्या है हमारा एलसीएम है। देखिए एलसीएम क्या है, 30 भी हो सकता है, इसका दुगना करें तो कितना होगा, 60 भी ले सकते हैं, 90 कहें 90 भी ले लेंगे, 120 भी ले लेंगे, सब पे सवाल आपका आ जाएगा। लेकिन हम छोटी संख्या लेते हैं, इसीलिए इसका परिभाषा बताया गया एलसीएम का, वह छोटी सी छोटी संख्या। देखिए एलसीएम का पहचान ही है छोटी सी छोटी संख्या, और मासा एससीएफ का पहचान क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या होता है भाई। देखिए इसमें अब यहाँ पे टोटल वर्क कितना मिल गया भाई, 30 काम मिल गया। अब आपको करना है एक ही क्षमता क्या है, एक घंटे में भरने की, मतलब इसका निकालने एक दिन, जैसे वहां टाइम एंड वर्क में दिन कहते थे, यहाँ घंटा है तो घंटे में निकालेंगे, एक घंटे में कितनी क्षमता है, तो 10 से भाग करेंगे इसमें, तो 10 × 30, मतलब एक घंटे में ये 3 काम कर सकता है। अगर इसका निकाल लें बी का, तो कहेंगे 15 × 30, मतलब एक घंटे में कितना काम कर सकता है भाई, 2 काम कर सकता है। ये आपका क्या आ गया भाई, क्षमता आ गया, क्या आया, क्षमता आया। अब कहेगा दोनों नल मिलकर, मतलब दोनों एक साथ खोल दिए जाएं भाई, दोनों एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितनी देर में भरेगी, तो देखिए ए प्लस बी, टोटल वर्क कितना है भाई, तो कहेंगे 30 काम है। अब दोनों की क्षमता क्या है, एक की 3 है एक की 2 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 3 × 2 कितना हो जाएगा, 5। क्यों जोड़ रहे हैं भाई, क्योंकि दोनों एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अगर हम 5 से भाग कर दें तो कितना आ जाएगा, कहेंगे 5 × 6 = 30, टोटल कितना घंटा लगेगा भाई, तो कहेंगे 6 घंटे समय लगेगा, क्लियर है। लेकिन अगर मान लीजिए आपको फार्मूला बेस करना है, तो फार्मूला बेस भी है भाई। फार्मूला बेस कैसे किया जाता है, ए प्लस बी का मान लीजिए निकालना है, तो हम करेंगे यक्स वाई अपान यक्स प्लस वाई, ये इसका फार्मूला होता है। यक्स का मतलब है पहला वाला मान, जैसे 10 कह रहा है तो 10 लिखे, दूसरा वाला मान क्या है 15 है तो 15 लिखेंगे, 15,
उसके बाद दोनों का योग कह रहा है यक्स प्लस वाई, मतलब ये यक्स है या वाई है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 10 प्लस 15। अब इसका चाहे गुणा करें चाहे ऐसे रहने दें, अगर इन दोनों को जोड़े तो कितना हो जाएगा भाई, कहेंगे 25 आ जाएगा। तो 5 से काट दो भाई, 5 पचम 25, अब 5 तिहाई 15, 5 से इसको काटे तो 5 दूना 10, अगर इन दोनों का गुणा करें तो 2 तिहाई कितना हो जाएगा भाई, 6 घंटे आंसर हो जाएगा। तो मतलब आप चाहे फार्मूला बेस से लगाओ चाहे इस मेथड से लगाओ दोनों का आंसर वही आएगा। लेकिन ये जो एलसीएम मेथड होता है चाहे 3 नल दे चाहे 4 नल दे चाहे 2 नल दे, सबके लिए आप कर सकते हो। लेकिन फार्मूला में क्या भाई, ये सिर्फ 2 नल के लिए ही लगेगा, 3 के लिए दूसरा फार्मूला, 4 के लिए दूसरा बन जाएगा, लेकिन ये आपका एक ही बेस पे रहेगा। तो आप इसको सीखना सबसे बेहद आसान यही रहेगा आपके लिए, ठीक है। चलिए हम लोग प्रश्न स्टार्ट करते हैं, देखें पहला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा 2 नल एक टंकी को क्रमशः 15 और 20 घंटे में अलग अलग भर सकते हैं, यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी, आपसे कह रहा है। तो टंकी भरने में कितने घंटे लगेंगे आपसे पूछा जा रहा है, तो चलिए हल करते हैं भाई। देखिए 2 नल है तो मान लेते हैं चाहे आप ए बी माने, तो यहां पर लिख दे रहे हैं ए, यहां पर लिख दे रहे हैं बी। एक नल कितने घंटे में कार्य कर रहा भाई, तो कहेंगे 15 घंटे में, दूसरा वाला 20 घंटे में है। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे क्योंकि एलसीएम मेथड सबसे आसान होता है भाई। 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 60, क्योंकि 60 ऐसी संख्या है जिसमें 15 का भी पहाड़ा चला जाएगा 20 का भी पहाड़ा चला जाएगा, तो 60 हमारा एलसीएम आ गया। अब एक दिन का कार्य निकाल लें, एक दिन की क्षमता निकाल लें, या घंटे है तो भाई एक घंटे का, तो 15 से भाग करेंगे तो 15 चौका 60 आ जाएगा, इसमें भाग करें तो 20 तिहाई क्या हो जाएगा भाई, 60 आ जाएगा। अब दोनों कह रहा, देखिए दोनों नलों क्या है भाई, यहाँ पे दोनों नलों हैं, दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितने घंटे लगेंगे। अब 2 नल हैं, लिख दें दोनों नलों को एक साथ ए प्लस बी, अब इनको एक साथ भरना है भाई। हमने बताया कुल काम बटे क्षमता होता है, तो काम कितना है टोटल, कहेंगे 60 है। क्षमता कितनी है भाई, इसकी 4 है इसकी 3 है, तो दोनों का मिलाएंगे क्योंकि दोनों भर रहे हैं, तो 4 3 कितना होगा, तो कहेंगे 60 हो जाएगा, ठीक है। अब आपका आंसर 60/7 भी हो सकता है, चाहे इसको और हम कर लें भाई सरल करें, लेकिन कटेगा नहीं, तो आप 7 से भाग कर सकते हो, सही के रूप में लिख दें, तो 7 से भाग करेंगे 60 में, तो 7 8 56 8 बार जाएगा, 60 में से 56 घटाओगे शेष बचेगा 4 भाई, तो 4 को ऊपर लिखेंगे अंश में, और हर में जिससे भाग करते हो उसी को लिखेंगे, इतना घंटा आपका क्या होगा भाई, आंसर होगा। लेकिन ऑप्शन में जो रहेगा उसी को आप पिक करना, तो यहाँ पे कितना है 60/7, कौन सा ऑप्शन, तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, या अगर कहें फार्मूला ही लगाना, तो देखो फार्मूला भी बता दे रहे हैं आपको लगाना ही है, तो देख लेते हैं एक मिनट। देखो भाई फार्मूला क्या होता है, दोनों का गुणा करो तो 15 गुणे 20, एक बार दोनों का जोड़ करना है तो 15 20 कितना होगा, तो कहेंगे 35 आ जाएगा। अब आप इसको हल कर लो आपका आंसर, देखो 5 पचम 5 7 35 हो जाए, और 5 चौक क्या हो जाएगा भाई, 20 हो जाएगा, तो गुणा करें 15 चौका 60/7 आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन ये 2 के लिए ही लगेगा भाई, तो आप इससे भी कर सकते हो, इस मेथड से भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न, यदि 2 नल एक टंकी को क्रमशः 10 मिनट एवं 15 मिनट में भरते हो तो दोनों नलों को एक साथ खोलने पर टंकी कितनी देर में भर जाएगी। देखिए 2 नल हैं, मान लेते हैं ए और बी, एक भर रहा है भाई कितने घंटे कितने मिनट में, 10 मिनट में, दूसरा भर रहा है 15 मिनट में। अगर लासा ले, देखें यहां पर जैसे 10 मिनट और 15 मिनट दे रहा है भाई, एलसीएम निकालें, इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 10 और 15 का एलसीएम 30 आएगा, कितना आ जाएगा भाई, 30 आ जाएगा। अब निकाल लो भाई, देखो एक दिन की क्षमता, यहाँ मिनट है तो मिनट कहेंगे, घंटा है तो घंटे कहेंगे भाई, आपको क्षमता निकालना है इसका, तो 10 से भाग करना होगा, 10 तिहाई 30, 3 बार गया, 15 से भाग करें तो 15 दूना 30 हो गया भाई, मतलब आपका आ गया, अगर कहें 1 मिनट की क्षमता 3 है, इसका कितना है, तो कहेंगे 2 है। अब दोनों एक साथ खोल दिए जाए, देखो दोनों ही भर रहे हैं, लेकिन जहां खाली करने का आएगा वहां दूसरा भाई नियम लगेगा, वहां थोड़ा बताना पड़ेगा, अंतर होगा, ठीक है।
यहां पे दोनों भर रहे हैं, तो दोनों भरने के कंडीशन में देखें तो लिखें क्या, ए प्लस बी। देखो भाई दोनों नल भर रहे हैं तो यहां पे कुल काम कितना है, तो कहेंगे 30 है। क्षमता कितनी है, तो दोनों का जोड़ क्योंकि दोनों भर रहे हैं तो 3 दो कितना होगा, कहेंगे 5। 5 से भाग करें तो कितना आ जाएगा, 5 × 6 = 30, तो आंसर आ जाएगा भाई 6 मिनट हमारा राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। अगर फार्मूला बेस देखना कर देखिए भाई, अगर क्योंकि दो वाले हैं तो दो वाले आप लगा सकते हो फार्मूला बेस पे भी। देखो दोनों को गुणे में भाई, बटे में दोनों का योग होता है क्योंकि एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई फार्मूला बता चुके अभी। तो यहाँ पे 10 और 15 कितना हो जाएगा, कहेंगे 25 हो जाएगा। आप 5 से काट दो तो कहेंगे 5 × 5 = 25 और 5 × 3 = 15। 5 से इसको काटें तो 5 × 1 = 5 और 5 × 2 = 10। गुणा करें तो 3 × 2 कितना होगा भाई, 6 हो जाएगा। 1 की वैल्यू नीचे नहीं होगी तो 6 मिनट आपका आंसर। तो चाहे आप इस तरह से लगाएं चाहे आप इस बेस पे लगाएं। एलसीएम मेथड क्या होता है भाई, चाहे 2 दे चाहे 3 नल दे चाहे 4 नल दे, सबके लिए आप कर सकते हो। लेकिन अगर इसके लिए सिर्फ फार्मूला 2 के लिए लगा सकते हो, 3 के लिए दूसरा नियम लगेगा, इसलिए इस नियम को ज्यादातर सीखे भाई। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा, दो नल एक टंकी को क्रमशः 2 घंटे एवं 3 घंटे में भरते हैं, यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं। देखिए भाई अगर दोनों नल एक साथ खाली टंकी में खोल दिए जाएं तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, चलिए इसका सबसे पहले भाई लासा ले जो आपको सिखा रहे हैं। मान लेते हैं ए और बी कितना है भाई, तो कहेंगे एक का है 2 घंटे और एक कितना है 3 घंटे। दोनों का लासा ले तो कहेंगे 6 हो जाएगा। अब क्षमता निकाल लो भाई, तो 2 से भाग करोगे 6 में तो कितना आएगा, 2 × 3 = 6 और 3 से भाग करोगे 3 × 2 = 6 हो गए। अब दोनों नल एक साथ खोले जा रहे हैं तो दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा, तो ए प्लस बी। देखिए यहाँ पे टोटल काम कितना है भाई, ये जो एलसीएम लेते हैं ये टोटल हमारा वर्क होता है, मतलब टंकी भरने की क्षमता कुल कितना है, तो कहेंगे 6 है। ठीक है, तो 6 काम है, तो काम को ऊपर लिखते हैं नीचे क्या लिखा जाता है, क्षमता। जो टाइम एंड वर्क सेम वही है भाई, दोनों को जोड़े 3 × 2 कितना होगा, तो कहेंगे 5 हो जाएगा। अब देखिए 6/5 कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन अब देखिए इसको हल करें क्योंकि यहाँ पे मिनट में घंटे में भी है या घंटा और मिनट दोनों है, एक नन ऑप्शन भी है, तो हल करेंगे। सबसे पहले इसमें भाग करें तो भाग करेंगे आएगा 1 × 1/5। देखें कैसे, जैसे अगर हम 5 से भाग करें तो 5 × 1 = 5, यहाँ पे 1 बचा। अब आपका क्या आ जाएगा, इसको अगर हम सही के फॉर्म में लिखें तो जो भागफल आता है सही में, जो शेषफल आता है अंश में, जिससे भाग करते हैं उसको नीचे लिखते हैं। ये हमारा जो 1 सही में है टोटल घंटा बनता है भाई, कितने घंटे टोटल है, तो कहेंगे 1 घंटे। क्या हो जाएगा, 1 घंटे। अब ये जो सही में है भाई ये भी आपका घंटे में, लेकिन अब देखिए बटे में है, इसको मिनट में कन्वर्ट कर लें। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से गुणा करना पड़ता है भाई, किससे गुणा करना पड़ता है, 60 से। अगर हम 5 देखिए गुणे में है कट जाएगा ये, तो आएगा 12। 12 × 1 कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 12, तो आएगा 12 मिनट। ठीक, तो चाहे आप ऐसे भी आंसर लिख सकते हो आप, 1 सही 1/5 घंटे, ये भी आपका राइट है। अगर ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो भाई आप इसको मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो कहेंगे 1 घंटे। अब इसको मिनट में चेंज करना है तो 60 से गुणा, 5 से 60 में भाग करेंगे तो 12 मिनट हमारा राइट आंसर है। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे, दो नल एक टंकी को अलग अलग क्रमशः 25 मिनट एवं 20 मिनट में भर सकता है, यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने मिनट में भर जाएगी। आपको देखिए दो नल फिर से हैं, एक नल है ए, एक नल मान ले बी। पहला 25 मिनट ले रहा है समय, दूसरा कितना ले रहा है, तो 20 मिनट। दोनों का एलसीएम क्या होगा भाई, तो एलसीएम देखिए ऐसी संख्या चुनो जिसमें 25 का भी पहाड़ा चला जाए और 20 का भी, तो कहेंगे 25 × 4 = 100 और 20 × 5 = 100। तो देखिए 100 ऐसी एक संख्या है भाई जिसमें आपका 25 का भी पहाड़ा जाएगा और 20 का भी जाएगा। अगर आप 200 लेना चाहो तो 200 भी होगा, लेकिन आपका लासा कहता है वह छोटी सी छोटी संख्या, मतलब आपको छोटी संख्या लेना पड़ता है।
ठीक है, और बाकी आप 200 भी लेके चलेंगे तब भी आपका आंसर आएगा यही जो इसमें दिया गया है। देखें आगे, क्षमता निकाल लें तो 25 से 100 में भाग करेंगे भाई तो 25 चौका 100, यहाँ पे 4 आएगा, अब 20 से भाग करेंगे तो 20 पंचे 100, 5 आ गया। अब दोनों नलों को एक साथ खोला जा रहा है भाई, क्या किया जा रहा है, दोनों नलों को एक साथ, तो ए प्लस बी, टोटल काम कितना है तो कहेंगे 100, क्षमता कितनी है भाई तो 4 और 5 कितना हो जाएगा, कहेंगे कुल 9, 9 हो जाएगा, तो आपका क्या है 100/9 आपका आंसर हो जाएगा। चाहे इस तरह लिखें चाहे अगर आपको भाग करके भी दे सकता है, 9 से भाग करेंगे तो आएगा 11, सही 1/9। मिनट है, अगर इकाई अंक मिनट है तो आपको मिनट लिखना होगा, घंटे है तो घंटे देना होगा भाई, यहां मिनट है तो मिनट लिखेंगे। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, 100/9 है, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। नल ए एक खाली टंकी को 10 मिनट में भर देता है जबकि नल बी भरी टंकी को 15 मिनट में खाली करता है, यदि खाली टंकी में दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने देर में भर जाएगी। अब दो नल है भाई ए और बी, नाम दे देते हैं ए और बी। यहां पर देखिए एक नल क्या कर रहा है भाई, भर रहा है कितना मिनट तो 10 मिनट ले रहा है, और दूसरा नल क्या कर रहा है 15 मिनट में खाली कर रहा है, देखिए खाली कर रहा है तो 15, देखिए खाली करने वाले का यही पे समझना है आपको, यहां पे भरने वाले को अगर आप चाहो तो यहां पे अगर प्लस दिखाना चाहो तो प्लस, खाली करने वाले को अगर माइनस दिखाना चाहो तो आप माइनस दिखा सकते हैं। ठीक है, चलिए देखें इसको। अब इन दोनों का अगर लासा लें तो कितना होगा भाई, कहेंगे 30 आ जाएगा लासा इसका, कितना आएगा 30 इसका लासा होगा। अब आप क्षमता निकाल लो तो 10 से भाग करें तो 10 आए 30, और यहां पे कितना हो जाएगा 15 × 30। अब आपको देखिए करना क्या है, दोनों नल कह रहा एक साथ खाली टंकी में खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा, तो दोनों नलों को एक साथ खोलो भाई। देखें दोनों नल ए और बी। अब आप देखें टोटल काम कितना है तो कहेंगे 30 है, उसके बाद अब देखिए ए भर रहा है और बी क्या कर रहा है भाई, तो खाली कर रहा है, तो कुल क्षमता कितना होगा, जैसे मान ले अगर हम कोई टंकी भर रहे हैं आप खाली कर रहे हो भाई, तो मेरा 3 काम करने का आपका 2 काम करने, तो अगर दोनों लोग एक साथ काम करेंगे, मान लीजिए कोई काम आप कर रहे हैं अब आप वही काम आप हटा रहे हो, मतलब ईंट बिछा रहे हैं, 3 ईंट बिछा रहे हैं एक दिन में, आप 2 हटा रहे हो तो कितना ईंट बिछेगा, कहेंगे एक ही ईंट तो बचेगा। उसी तरह इसमें भी समझना है भाई, अगर एक भर रहा दूसरा खाली कर रहा है इसका मतलब दोनों का घटा लेते अंतर लेते हैं, तो 3 में से 2 गया तो कितना आएगा भाई, कहेंगे 1 आएगा, कितना आएगा 1 आएगा। अब 1 की वैल्यू नीचे होगी नहीं तो आ गया 30 घंटे, मिनट है तो मिनट, 30 मिनट हो, तो 30 मिनट कौन सा ऑप्शन, तो बी ऑप्शन हमारा राइट होगा। यहां यही इतना समझना है भाई कि अगर जो खाली करने वाले को क्षमता में से घटा देना है तो 3 और 2 का अंतर कितना आएगा, तो कहेंगे 1 आएगा, उसी 1 को यहां पर लिखा गया है। ठीक है, चले अगला प्रश्न देखें। एक नल किसी हौज को 10 घंटे में भर सकता है जबकि खाली करने वाला नल इस हौज को 15 घंटे में खाली कर सकता है, यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो हौज कितने समय में भर जाएगा। देखें यहां पर क्या है ए और बी, 10 घंटा और दूसरा क्या है भाई, तो 15 घंटे में खाली कर रहा है, दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 30, तो 10 तिहाई 30, क्षमता निकाल ले इसमें करेंगे तो 15 × 30। अब आपसे कह क्या रहा, दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, देखिए पहला वाला नल क्या कर रहा है भाई 10 घंटे में भर रहा है जबकि खाली करने वाला नल 15 घंटे में खाली कर रहा है, एक भर रहा एक क्या कर रहा है भाई, तो कहेंगे खाली कर रहा है। देखें इसको, तो ए प्लस बी दोनों एक साथ खोले गए हैं तो टोटल वर्क देखना भाई 30 है, अब एक भर रहा भाई ये भर रहा है और ये क्या कर रहा है तो खाली कर रहा है, दोनों को जोड़ते हैं तो आपको पता है प्लस माइनस का अगर गुणा करें तो क्या होगा, कहेंगे माइनस ही होगा, मतलब दोनों जोड़े हैं तो ये क्या हो जाएगा घट जाएगा, कहेंगे यहाँ पे इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा 1, उसी 1 को यहाँ पर रखेंगे।
तो एक की वैल्यू नीचे होगा नहीं, तो आंसर आ गया 30 घंटे, आपका राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन? तो कहेंगे ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यदि नल ए एक खाली टंकी को 15 मिनट में भर सकता है, जबकि नल बी भरी टंकी को 10 मिनट में खाली कर सकता है। देखो दोनों एक जैसे ही है भाई, इसके पहले भी वही लगवाया गया, सेम है। आप लोग अगर इसको चाहें तो आप लगा के बताएंगे, आंसर वही आएगा। ठीक है, चलिए इसको आपके लिए छोड़ रहे हैं, आप लोग जवाब दीजिएगा। एक नल किसी हौज को 12 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल उसे 15 घंटे में भर सकता है, तीसरा नल उसे 30 घंटे में भर सकता है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो कितने घंटे के बाद हौज पूरा भर जाएगा। अब देखो भाई, तीन नल हैं, कौन कौन से हैं? ए, बी और सी मान लेते हैं। एक का कितना टाइमिंग है भाई? तो कहेंगे 12 घंटे। बी का कितना है? तो कहेंगे 15 घंटे। और सी का कितना है? तो 30 घंटे। भाई एलसीएम लो, इन सभी का एलसीएम क्या आएगा भाई? 60 आएगा। अगर 12 से भाग करें तो कितना हो जाएगा? कहेंगे 12 पंचे 60, क्षमता निकाल ले। 15 से भाग करोगे 15 चौका 60, इसमें 30 दूना 60 हो गया भाई। अब तीनों एक साथ खोल रहे हैं, लेकिन यहां पे भर रहा है, सभी कह रहे हैं हाँ भर रहे हैं, तीनों नल भर रहे हैं भाई। देखिएगा, देखें यहां पर तीनों नलों को कह रहा है, तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी तीनों नल भरेंगे भाई। तो टोटल काम कितना है? तो कहेंगे 60 है। कितना है? तो 60 काम है। अब आप देखो तीनों भर रहा है, इसका मतलब तीनों की क्षमता को क्या क्या करना है भाई? योग करना है। अगर खाली करेगा तो हम बताएं माइनस करना है। तो जोड़ो भाई, 5 4 9 9 2 कितना हो जाएगा? तो कहेंगे 11 हो जाएगा। तो आपका यही आंसर है भाई, क्योंकि ये दिख रहा है विकल्प में 60/11 क्या है, घंटे में है, तो आप घंटे लिख सकते हैं, या अगर ऐसे भी दे सकता है भाई इसको सही के रूप में, तो 11 से भाग कर लो, 11 5 55 तो आ जाएगा 5 सही 5/11 घंटे। इस तरह भी आपका आंसर दे सकता है। तो ये भी सही है, ये भी सही है। जो आपसे कहेगा प्रश्न, जो विकल्प देगा, उसी के हिसाब से आपको लगाना होगा भाई। तो चलिए, इसलिए हमने बताया, देखिए तीन के लिए सूत्र दूसरा लगेगा, तो आपको सूत्र का यूज नहीं करना भाई, जो सिखा रहे हैं इसको सीख लो, 100% आपको समझ में आएगा। सेम टाइम एंड वर्क जैसे ही है, ओके। तो यहाँ पे तीन था, तीनों को आप निकाल लिए, तो आंसर कितना है? 60/11। कौन सा ऑप्शन? तो कहेंगे डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। तीन नल ए बी तथा सी एक टंकी को क्रमशः 12 घंटे 16 घंटे तथा 24 घंटे में भर सकते हैं, तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, तीनों नलों को क्या भाई? एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी कितने समय बाद पूर्णतः भर जाएगी? देखें यहां पर तीन नल हैं, कौन कौन से हैं भाई? तो कहेंगे ए है, बी है और सी है। क्या है? ए बी सी। देखें यहां पर कितना कितना दे रहा है भाई, कह रहा है कि एक 12 घंटे ले रहा है समय, एक कितना ले रहा है? तो आपका 16 घंटे ले रहा है, एक कितना ले रहा है भाई? तो 24 घंटे ले रहा है। सभी का एलसीएम निकालें भाई, एलसीएम कितना होगा? तो कहेंगे 48 होगा, क्योंकि 48 ऐसी संख्या है जिसमें 12 का भी पाड़ा जाएगा, 16 का भी और 24, क्योंकि 24 दूना 48, 16 3 48, अब भर चौक 48 भाई। क्षमता निकाल लो भाई, तो क्षमता निकालें, इससे भाग करेंगे कितना आएगा? भर चौक 48, 4 बार 16 3 48 और 24 2 48 हो गए। अब आपसे प्रश्न में देखिए, प्रश्न समझना भाई, आराम से पढ़ना, तभी ये नहीं जल्दबाजी करना। यहाँ पे कह रहा हाँ 24 घंटे भर सकते हैं, मतलब तीनों नल क्या है? भर रहे हैं भाई, ठीक है। अगर खाली करने वाला रहेगा तो उसको घटाएंगे, यही यहाँ पे समझना है आपको। तो भरने वाला है तो चलिए भरते हैं इसको, देखें। तो ए प्लस बी प्लस सी, टोटल वर्क कितना है भाई? तो कहेंगे 48 है। तीनों की क्षमता करें तो 4 3 7 2 कितना हो जाएगा भाई? कहेंगे 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? तो 9 आ गया। अब आप इसको सरल कर लीजिएगा, कट रहा है, देखिए 3 से कट जाएगा, 3 से भाग करेंगे तो 16 बार जाएगा, 3 1 3 1 बचेगा 18, 3 6 18 और 3 3 9, तो 16/3 घंटे आया। कौन सा आंसर? तो आपका ए ऑप्शन क्या है भाई? राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। देखिए, दो नल अलग अलग एक तालाब को कम से 12 एवं 15 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, कह रहा है कि भाई तालाब को एक क्या कर रहा है, 12 घंटे, एक 15 घंटे में भर रहा है। तीसरा नल 20 घंटे में क्या कर रहा है भाई, खाली कर रहा है। क्या कर रहा है, तीसरा नल जो है 20 घंटे में खाली कर रहा है। देखिए यहां पे क्या रहेगा भाई, कम से नहीं रहेगा। ओके, तो क्या होगा, 12 एवं 15 घंटे में भर सकते हैं। भरे तालाब को तीसरा नल 20 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों नलों को इकट्ठा खोल दिया जाए तो तालाब को भरने में कितना समय लगेगा। चलिए, तीन नल है भाई, ए बी सी। अब एक का दे रहा भाई 12, दूसरा है 15, तीसरा है कितना भाई, तो 20 घंटा है। एलसीएम कितना होगा भाई, तो 60 होगा। क्षमता निकालो तो 12 पंचे 60 और 15 चौका 60 और यहाँ पे 20 तिहाई 60 हो गया। अब देखो प्रश्न में क्या पूछ रहा है आपसे, देखें इसको। तीनों नल है भाई, तो कहेंगे ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को एक साथ खोला जा रहा है। अब यहाँ पे यही इतना समझना है भाई, देखो टोटल वर्क 60 है, समझना क्या है, पहला और दूसरा नल क्या कर रहा है, भर रहा है। तीसरा नल देखिए कह रहा है 20 घंटे में खाली कर रहा है, तो तीसरे नल के बारे में कह रहा है, इसका मतलब है तीसरा नल को हम घटा देंगे। किसको करेंगे, तीसरे नल को क्या करें भाई, घटा दें। इन दोनों का हम क्या करें, जोड़ कर दें, इसको क्या कर दें भाई, तो घटा दें। ठीक है, यहाँ 5 4 कितना होगा, कहेंगे 9, और 9 में से 3 घटा दो तो आ जाएगा भाई कितना, तो कहेंगे इसको हल करने पे आपका 6 आ जाएगा। आप इसी 6 से भाग कर दीजिए इसमें, तो 6 से भाग करेंगे तो 6 दहमा 60 आ जाएगा, 10 घंटे हमारा राइट आंसर आ जाएगा। देखो जो प्रश्न में कहा जाए आप उसको करो भाई, आपका प्रश्न क्या होगा, आसान बनेगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छे ढंग से भाई देखिए तैयारी करिए, जितना क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है इससे बाहर नहीं जाएगा आपका। नल और टंकी से आएगा तो क्या पूछ सकता है, बस यही पूछेगा भाई, जहाँ पे खाली है खाली के स्थान पे आपसे क्या कर दिया, छिद्र कर दिया जाए टंकी। ठीक है, इससे ज़्यादा और कुछ आपका और नहीं कहेगा। तो आप लोग अच्छे ढंग से मेहनत करिए और क्लास को आप लोग शेयर किया करें और लाइक कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको क्लास कैसी लगी है। और धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।